नमस्कार, आप देख रहे हैं WWE न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे नए और लेटेस्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोमन रेंज के नए थीम सॉन्ग के बारे में, तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही होंगे, पिछले हफ्ते रोमन रेंज और डैनियल ब्रायन के बीच यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मुकाबला हुआ था, जिसमें शर्त यह थी कि अगर डैनियल ब्रायन रोमन रेंज के हाथों हार जाते हैं तो WWE को छोड़कर चले जाएंगे। और स्मैकडाउन का यह एपिसोड डेनियल ब्रायन का कैरियर एंडिंग मुकाबला साबित हुआ। इस एपिसोड में इस मुकाबले के अलावा एक बात और थी जिन्होंने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा, और वह था रोमन रेंज का थीम सॉन्ग। स्मैकडाउन के इस एपिसोड में रोमन रेंज ने अपने नए थीम सॉन्ग के साथ एंट्री की थी। इस पर कई फैंस ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए इस थीम सॉन्ग को सपोर्ट किया। इससे पहले रोमन रेंज द शील्ड के थीम सॉन्ग पर एंट्री करते थे, जिसके कारण कई फैंस इसे एक इरा का एंड बता रहे हैं। और अब WWE ने इस थीम सॉन्ग को YouTube पर ऑफिशियली म्यूजिक एल्बम के तौर पर भी लॉन्च कर दिया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पर जाकर आप इसे पूरा सुन सकते हैं। और WWE ने इसे हेड ऑफ द टेबल टाइटल के नाम से लॉन्च किया है। इस वक्त रोमन रेंज के हील कैरेक्टर को देखते हुए उनके फैंस भी लगातार उनके कैरेक्टर को बदलने की मांग कर रहे थे, जिसमें सबसे पहले नंबर पर उनका थीम सॉन्ग आता है, जिसमें बदलाव लाना सबसे ज्यादा जरूरी था। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा रोमन रेंस का थीम सॉन्ग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियोज आपको मिलते रहें। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कि आखिर रोमन रेंस के थीम सॉन्ग को हेड ऑफ द टेबल क्यों कहा जा रहा है। धन्यवाद।